अभी मैं मधुबन में खड़ा हूँ और इस बात को मैं कहूँ कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय के जाने के बाद मधुबन की जनता के लिए कोई नेता नहीं है। नेता तो यहाँ मधुबन विधानसभा में हर घर में मिल जाएंगे, लेकिन कोई इस तरह का नेता नहीं है जो जनता की समस्या लेकर थाने चौकी पर उनकी लड़ाई लड़ सके। आज ये मधुबन के स्थानीय लोग 22 वर्ष के बच्चे जो सौरभ गुप्ता नाम का है, जिसके साथ बेरहमी के साथ पुलिसिया विभाग के लोग पिटाई किए हैं उसका, उसी मामले को लेकर आज ये धरना दे रहे हैं। सड़क जाम भी करने वाले ये लोग हैं। मैं आपसे रूबरू हो लूं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानू जायसवाल, मैं मधुबन पोस्ट ऑफिस से मैं रहता हूँ और न्यू नेचर दुर्गा पूजा कमेटी सदस्य के कमेटी से हूँ। और ये जो घटना घटा है, ये घटना देख के सब लोग दुखी हैं और जो भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ है कि बिना किसी FIR के उस लड़के को ले जाके लॉकअप के अंदर बंद कर दिया गया। और बंद करने के बाद 11 बजे रात को उसको बेरहमी से मारा गया। वो क्यों मारा गया है? अगर आपको समझाना था तो बच्चे को एक झापड़ दो झापड़ मार के उसको समझा के घर छोड़ दिए होते। रात को इतने बुरी तरीके से मारा, आज वो अपने जीवन मरण की स्थिति में है, हॉस्पिटल में भर्ती, ICU में, सदर हॉस्पिटल में। और बताइए अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके परिवार वाले क्या करेंगे? इसलिए हम लोग निर्णय लिए हैं कि जब तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक पूरे मधुबन की दुर्गा पूजा पंडाल की जितनी भी मूर्तियां हैं अपने पंडाल में ही रहेंगी, नहीं उसका विसर्जन होगा, नहीं हम लोग उसकी देखरेख करेंगे, नहीं हम लोग उसका पूजा पाठ करेंगे। जो भी करना है यहाँ का प्रशासन करेगा, यहाँ का जिला क्या नाम है, यहाँ के SDM करेंगे, यहाँ के SSO करेंगे, यहाँ के पुलिस वाले करेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे और ना ही मूर्ति विसर्जन करेंगे जब तक कि इनको न्याय नहीं मिलता है और जब तक ये लोग सब लोग के ऊपर FIR नहीं होती है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, फतेहपुर मंडाव के जो क्या नाम है डॉक्टर हैं जिन्होंने क्लीन चिट दिया है कि इनको चोट नहीं लगा है, उसके ऊपर भी तत्काल कार्रवाई किया जाए, क्योंकि हो सकता है भविष्य में हम दवा करने जाएं सर दर्द की और दे दें हमको क्या नाम है अपेंडिक्स की दवा, तो उसके ऊपर ये किया जाए कि वो जो लीक कर दिया है कि इनको चोट नहीं लगा है और वो लड़का आज क्या नाम मऊ में भर्ती है। अच्छा एक चीज़ और है, जो डॉक्टर हैं फतेहपुर के उनकी भी इंक्वायरी करना जरूरी है, क्योंकि ये मिले लोग होते हैं, पुलिस वालों द्वारा जो बोला जाता है उसी प्रकार की रिपोर्ट ये लोग तैयार करके दे देते हैं। ये सही बात है क्या? ये सही बात है, यही हुआ है। ये क्या नाम है, जो मेडिकल मुआयना किया गया है वो उसमें दिखाया गया कि इनको चोट नहीं लगाई है, कोई इंजरी नहीं है, ये सही सलामत है। इस बार की दुर्गा पूजा भी मधुबन के लोगों को याद रहेगी, क्योंकि इस बार की दुर्गा माँ भी एक बेटे के लिए उनका भी समय से विसर्जन नहीं हो पा रहा है। हाँ ये तो सही है, जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक विसर्जन, मधुबन की 9 कमेटियों के द्वारा फैसला लिया गया है कि विसर्जन नहीं होगा जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा। एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूँगा मधुबन के नेताओं को लेकर कि क्या इनकी स्थिति है, ये आम जनता के बीच में आप आते हैं, आम जनता की आवाज़ बनने का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? आज तो ये अच्छा ये काम हुआ है कि जो भी नेता लोग थे आज अपने भाईचारा का प्रमाण देते हुए सारे विपक्षी 25 सारे लोग एक साथ हैं और एक मंच पे हैं और सब एक साथ है, व्यापारी साथ है, नेता साथ है, मंडल साथ है और पूरा कमेटी साथ है, यहाँ तक कि दुकानदार भी साथ है। इसलिए हम लोग की खुशी है कि इस बार हमारे कोई नेता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारे हम लोग भाई बंधु हैं और सारे लोग मौजूद हैं और सारे लोग साथ रहेंगे। चलिए, ये उस सौरभ गुप्ता के भाई हैं और इनके ही प्रयास से आज इतना बड़ा इनके साथ टीम खड़ी है, यहाँ के लोग खड़े हैं, पूरा मधुबन विधानसभा के मान लें हर गांव के लोग यहाँ मिल जाएंगे। क्या मामला है, कहाँ तक गाड़ी पहुँची है? सर आज हम लोग CEO साहब के यहाँ और SDM साहब के यहाँ गए थे, तो जैसा कि CEO साहब ने कहा कि हमें तो कोई जानकारी ही नहीं है, तो 2 मिनट के लिए मैं सोचने लगा कि यार थाने की इतनी बड़ी बात हो गई और क्षेत्राधिकारी को कुछ जानकारी ही नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये बताइए CEO साहब, आपको जानकारी ही नहीं है आपके थाने में किसी को 1 तारीख की रात को बंद करके 3rd degree का टॉर्चर किया जाता है और आप कह रहे हैं हमको जानकारी ही नहीं है? कानून व्यवस्था का मजाक बना दिया है आप लोगों ने, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। क्या क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अपना सारा काम दम छोड़कर जब भी कोई कार्यक्रम होता है उसमें आप शामिल होने जाते हैं, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में कुछ सिस्टम में बदलाव हुआ है, गरीबों को न्याय मिल रहा है कि सारा कुछ पहले जैसा ही है? सर मैं खुद ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ,
पिछले 2 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और नियमित रूप से हर कार्यक्रम में भाग लेता हूँ। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, हालांकि छोटे से कस्बे की बात है। पुलिस प्रशासन ने ऐसा किया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का भी मजाक बना के रख दिया है पुलिस प्रशासन ने इस तरह। चलिए, कोई मुख्यमंत्री या बड़े लेवल का कोई नेता नहीं चाहता कि उसकी किरकिरी हो, उसकी पार्टी की किरकिरी हो, लेकिन कुछ गैर जिम्मेदार लोग के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो सरकार की भी बदनामी कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, राम राज में गरीबों की सुनवाई हो रही है जी, कैसे हो रही है? अभी तो आपके मधुबन में जो मामला है, इतने लोग आप इकट्ठा हुआ, किस हिसाब से आपकी सुनवाई हो रही है? कहाँ सुनवाई तो कोई नहीं हो रही है। सुनवाई होती तो ऐसी कोई माहौल नहीं होती। क्या बोलना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार से भाई बोलेंगे मेरे, सरकार से हम बोलेंगे, सरकार से बोलेंगे। सर, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और यहाँ से रामविलास चौहान जी को जिताया गया यहाँ के लोगों के द्वारा, तो काफी उम्मीदें रही होगी, उन उम्मीदों को लेकर क्या बोलना चाहेंगे और पार्टी को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? मैं माननीय विधायक जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम जो हमारे ये आपके चैनल से जो भी ये न्यूज देखें, कम से कम माननीय मुख्यमंत्री साहब अवगत हों और कम से कम ये काम करें कि हम लोग के जो भी अन्याय हुआ है हम लोग के साथ, चाहे मेरे इस भाई के साथ, तो कम से कम उनको जो हम लोग की मांगे हैं कि दोनों पुलिसकर्मियों को और न्याय दिलाएं, और जिस प्रकार की आपराधिक घटना ये मधुबन थाने में हुई है, क्योंकि जो बच्चा गाली नहीं जो बच्चा गाली दे के अगर अपराध किया है तो ये लोग थाने के अंदर मार के अपराध किए हैं, तो उन अपराधियों को अरेस्ट किया जाए और उन अपराधियों पे केस चलाया जाए, निलंबित किया जाए और हम लोग की FIR दर्ज की जाए, उसका मेडिकल मुआयना हो दोबारा, उस मेडिकल जो फतेहपुर मंडाव का मेडिकल अफसर था उस पर कार्रवाई हो जिसने क्या नाम है गलत मेडिकल बनाया है, और उसके बाद से तब जाके हम लोग की मतलब ये पूरा होगा। चलिए, तमाम समस्याएं हैं, जब आप ग्राउंड जीरो पर खड़े होंगे तो तमाम ये मुद्दा मिलेंगे। इनकी जो समस्या है आपके सामने है, एक महिला है, मैं इनकी भी आपको बातें सुना चुका हूँ, तमाम समस्याएं हैं।